नमस्कार, भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं दैनिक राशिफल की। दोस्तों, आज तारीख है 8 सितंबर 2021, दिन है बुधवार। जा दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कर रहा है आज का दैनिक राशिफल। सबसे पहले आइए देखते हैं मेष जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको संतान पक्ष से निराशाजनक समाचार मिलेगी। कार्यक्षेत्र में करवाहट और मिठास में बदलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। राजकीय धन प्राप्ति के योग बन रही है। जीवन साथी सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही कुछ परिजनों से भेंट या मोद प्रमोद में बीतेगा। आज आपका 85% भाग्य आपके साथ है। अब अयोध्या वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपको संतोष और शांति का है। संतान पक्ष की उन्नति में आपको कुछ राहत मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों से लाभ होने वाला है। आज कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आज आपका भाग 84% आपके साथ है। अयोध्या मिथुन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप किसी मूल्यवान वस्तु खोने या चोरी होने का भय बना रहेगा। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में आसती सफलता का समाचार मिलने के योग बन रहे। शाम काल में कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। साथ ही उत्साह पूर्वक कार्य करने से सम्मिलित होने में सौभाग्य प्राप्त होगा। आज आपका भाग 84% आपका साथ है। अयोध्या कर्क जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मित्रों के साथ यात्रा की सुखद स्थिति लाभदायक रहेगी। शाम काल तक रात्रि तक प्रिय व्यक्तियों को दर्शन शुभ समाचार मिलेगा। 85% भाग आपके साथ है। अयोध्या सिंह जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज राशि के स्वामी सूर्य सिंह प्रथम लाभ भाव में आ गया है। आमदनी के नए स्रोत आपको मिलेंगे। छात्रों को शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगी। ऑफिस में वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। शत्रु आपस में लड़कर भी नष्ट हो जाएंगे। व्यापारियों को नगद धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग आपका 85% आपके साथ है। अयोध्या कन्या जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको रोजगार व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयास में अकल्पनीय सफलता हासिल होगी। संतान पक्ष से संतोषजनक सुखद समाचार मिलेगा। दोपहर बाद किसी कानूनी या मुकदमों में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकता है। छात्रों के लिए अनुकूल है। भाइयों की मदद से अटके विकार में गति आएगी। शुभ कार्यों कृति में वृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र में निवेश आपके लिए लाभदायक होगा। शाम के समय धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। भाग आपका 86% आज साथ दे रहा है। अब अयोध्या तुला जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा। घर परिवार में सभी सदस्यों की खुशियां रहेंगी। मित्रजनों के साथ आज आप पास या दूर की यात्रा का प्रसंग बन रहा है। व्यवसाय में समय पर लिए गए निर्णय कारगर साबित होंगे। राजकीय क्षेत्र में जुड़े जातकों का मान सम्मान मिलेगा। 85% भाग आपके साथ है। अयोध्या वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको नए व्यवसाय में आपका अनुभव पूरा लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य से उपहार सम्मान मिल सकता है। शेयर और लॉटरी के माध्यम से आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपने अपने परिवार का स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। छोटे छोटे विषय पर भी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। भाग आपका 85% आपके साथ है। अब अयोध्या धनु जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी भी आपके काम से प्रभावित होंगे, प्रशंसा करेंगे। कार्यशैली में निखार आएगी। कार अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति होगी कि लेकिन किसी के कर्ज लेने से बचें। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति हाथ लगेगा। आज आपके 84% आपके भाग साथ है। अयोध्या मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूति होंगे। मित्रों से कुछ निराशा हाथ लगेगी। कारोबार से संबंधित यात्रा के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शाम के समय किसी झगड़े विवाद में ना पड़े। भाग आपका 82% आपके साथ है। अब यदि कुंभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपका फलदायी रहेगा। आपके स्वास्थ्य सुख में व्यवधान आ सकता है। व्यवसायिक व्यस्तता अधिक रहेगी। भविष्य के प्रति चिंतित नजर आएंगे। कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। झगड़े विवाद से बचें। भाग आपका 80% आपका साथ दे रहा है।
और इन मीन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आज का दिन संतान चिंता उनके कामों में व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में कई दिन चला रहा प्रतिरोध समाप्त होगा। रिश्तेदारों से धन का लेन देन न करें, संबंध खराब होने का खतरा है। धार्मिक क्षेत्रों के यात्रा पुण्य कार्यों में खर्चा हो सकता है, यात्रा में सावधानी बरतें। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे। भाग्य आपका 85% आज आपके साथ है। या दोस्तों, तो ये था दैनिक राशिफल। भाग्योदय कार्यक्रम में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।